टीवीएस जुपिटर। तो सबसे पहले अगर हम इसके फ्रंट लुक की बात करें, इसके फ्रंट लुक को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है जिससे जो कस्टमर है वो इसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाए। इसकी हेडलाइट में आपको एलईडी बल्ब्स मिल जाते हैं, फ्लेक्सिबल लीवर मिल जाता है इसमें आपको, टीवीएस कंपनी की ब्रांडिंग मिल जाती है इसके फ्रंट पैनल पर। टायर्स की बात करें, ट्यूबलेस टायर्स मिल जाता है। व्हील टाइप की बात करें, एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको दो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। इसके सस्पेंशन पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और अगर हम इसके फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें, उसमें आपको डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम की जगह ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। और अलग अलग वेरिएंट के अनुसार डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। इसके इंडिकेटर में आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है, हेलोजन बल्ब्स मिल जाते हैं। इसके इंडिकेटर में आपको कुछ इस तरीके से, इसमें आपको ग्राफिक्स मिल जाती है। इसके पैनल्स पर एनालॉग मीटर मिल जाता है, इसमें आपको हाई बीम लो बीम का स्विच मिल जाता है, इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है, कुछ इस तरीके से हॉर्न का स्विच मिल जाता है इसमें आपको। इसके मीटर में आपको न्यूट्रल लाइट, चेक इंजन लाइट, इंडिकेटर सिग्नल्स, ऑल इलेक्ट्रिकल फंक्शन दिखाए जाते हैं। इसके मीटर के ऊपर आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है, इसमें आपको इग्निशन ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है, सेल्फ का स्विच मिल जाता है, फ्लेक्सिबल लीवर मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें आपको 6 लीटर की फ्यूल टंकी मिल जाती है इसके फ्रंट में, और लंबी सीट मिल जाती है इसमें आपको, पैसेंजर फुटरेस्ट मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, लेडीज़ फुटरेस्ट मिल जाता है। जुपिटर 125 की ग्राफिक्स मिल जाती है, लंबी सीट मिल जाती है इसमें आपको। और सीट हाइट की बात करें, 765 mm इसमें आपको सीट हाइट मिल जाती है कुछ इस तरीके से, इसमें आपको ग्राफिक्स मिल जाती है। इसके साइलेंसर पर आपको साइलेंसर पत्ती मिल जाती है, पैसेंजर फुटरेस्ट मिल जाता है, एक साइड स्टैंड मिल जाता है, एक डबल स्टैंड मिल जाता है, पैसेंजर फुटरेस्ट मिल जाता है, लंबी सीट मिल जाती है इसमें आपको। और इसकी बैक लाइट की बात करें, उसमें आपको हेलोजन बल्ब्स मिल जाते हैं। इसके बैक इंडिकेटर में आपको हेलोजन बल्ब्स मिल जाते हैं। इसके बैक मरगार्ड पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और इसमें आपको कुछ इस तरीके से इसकी बॉडी मिल जाती है। इसके फ्रंट सस्पेंशन पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। लंबाई की बात करें तो 1834 mm इसमें आपको लंबाई मिल जाती है। और व्हील बेस की बात करें तो 1275 mm इसमें आपको व्हील बेस मिल जाता है। कर्ब वेट की बात करें, 109 kg इसमें आपको कर्ब वेट मिल जाता है। हाइट की बात करें तो 1286 mm इसमें आपको हाइट मिल जाती है। और चौड़ाई की बात करें, 678 mm इसमें आपको चौड़ाई मिल जाती है। इसमें आपको सेंसर मिल जाते हैं, एक्चुएटर मिल जाते हैं, क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है इसमें आपको। और इसकी हेडलाइट में आपको एलईडी बल्ब्स मिल जाते हैं। टायर पर आपको टायर लाइनिंग्स मिल जाती है, लंबी सीट मिल जाती है। फ्रंट ब्रेक डायमीटर की बात करें, 130 mm मिल जाता है। और इसमें इसके हेडलाइट के शीशे पर आपको कलर्स मिल जाते हैं। और ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें तो ये ऑटोमेटिक है,